गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सब लोग का मेरे चैनल रीवा ब्लॉग दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बस जस्ट मैंने नहाया है और नहाने के बाद मैं यहाँ बैठी हुई थी। और ये देखिए हमारे यहाँ का बाहर का व्यू है, ये खिड़की पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे। और अभी यहाँ पे जो मैं बैठी हूँ ये रूम है मेरी भाभी का, ये देखिए यहाँ पे। और ये रखे हैं दिशु की टॉयज़, ये देख सकते हैं आप। और इधर से मैं दिखा देती हूँ, तो अभी भाभी नहीं है, भाभी आने वाली है, तो जब वो आ जाएगी तो मैं उससे भी मिलवाऊँगी आप लोगों को। तो बस एक बात करनी थी आपसे, जैसे एक यूट्यूबर है, उनका नाम मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई बोले कि कोई मुझ पर वीडियो बनाता है या कुछ भी। क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा है कि बहुत लोग अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए दूसरों के वीडियोस की फ़ोटोज़ लगाते हैं और उनके वीडियोस के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए और मैं तो कभी नहीं करूँगी ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैंने बस कुछ बातें सुनी थी, और वे बातें मतलब सभी यूट्यूबर से रिलेटेड हैं जो लोग अभी अभी अपना यूट्यूब में कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो वो ये बोल रही थी कि वो अपना चैनल डिलीट कर देना चाहती हैं और ब्लॉग्स नहीं बनाना चाहती हैं। और रीज़न सिर्फ यही है कि उनका कहना ये था कि जो बड़े यूट्यूबर हैं, ब्लॉगिंग वाले ही की ही बात कर रही हूँ, उनके भी वीडियो सेम रहते हैं, सारी चीज़ सेम रहती है, इवन कभी ना कभी उनसे बेटर हम लोग करने की कोशिश करते हैं, बट ना तो व्यूज़ आते हैं और ना ही सब्सक्राइबर आते हैं। वहीं पे उनके व्यूज़ और सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो उनका यही कहना था। और शायद मुझे लगता है हम जितने भी जिन लोगों ने अभी अभी चैनल स्टार्ट कर किया है उन सबका यही कहना है। तो और उनका ये भी कहना था कि उन्होंने बोला कि मैंने अपने दो तीन मतलब चैनल उन्होंने बनाए थे और उन सबको भी डिलीट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आदमी डीमोटिवेट हो जाता है, बट बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जैसे दूसरे यूट्यूबर को मौका देते हैं, और बहुत सारे मैंने देखे इस समय क्यूट कपल के बहुत सारे देखे हैं मैंने चैनल्स, करीब 4 या 5 चैनल्स हैं जो मैं क्यूट कपल्स के देख रही हूँ, मतलब उनके वीडियोज़ भी देखे हैं, अननेसेसरी वीडियो हैं, तो कोई भी ढंग का वीडियो नहीं है, बट ये है क्यूट कपल हैं, क्यूट कपल बोल रहे हैं, लव मैरिज वाले कपल हैं, तो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वांट टू डू अ लव मैरिज, तो वो लोग ज़्यादा उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, करना भी चाहिए, अच्छा है, बट बस मेरा कहना यही है कि प्लीज़ आप लोग जैसे दूसरे लोगों को उतना ही पसंद करें, उतना ही मुझे लगता है सबको मौका देना चाहिए, जो लोग अभी अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और यूट्यूब में जो वीडियोस बनाता है उससे आप पूछिए कि कितनी एडिटिंग और कितना कुछ करना पड़ता है। नहीं आता है तो आदमी इसको सीखता है, मुझसे भी नहीं आता था, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, और अभी भी मैं बिल्कुल बहुत एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ, बहुत कुछ अभी मुझे सीखना बाकी है। तो बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपके एक सिंगल क्लिक से किसी की हेल्प हो रही है, एक कमेंट से किसी का मोटिवेशन बढ़ रहा है, तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी हमारा खाने, मैं जा रही थी खाना खाने, तो फिर मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। और प्लीज़ मेरी बातों को अगर थोड़ी सी भी बुरी लग रही हो या कुछ भी लग रही है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, बट जो चीज़ मैंने फ़ील किया था, जो चीज़ मैंने सुना है उनकी बातों में, उनकी बातों से, वही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ही ज़रूरत है। और जितने भी छोटे यूट्यूबर अभी जिन्होंने अपना कैरियर अभी अभी स्टार्ट किया है, हमें लगता है कि अगर वो अपना यूट्यूब में कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए।